जा रही हूँ सब्रोसो के ड्रम स्टिक के साथ, वो है फायरी फ्राइड चिकन, और बहुत मज़े की होती है, बहुत स्पाइसी होती है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त आपको टेस्ट देंगे, और ये आप इफ्तार पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सब्रोसो का ये जो ड्रम स्टिक पैक है ये इस तरह से आता है, और ये रेडी कट है बेसिकली, आप इसको काट सकते हैं। हमने काटा है इसको, काटने के बाद इसके अंदर मैरिनेट इसको कर दिया, दिखाइए मुझे, हमने इसको मैरिनेट कर दिया। ये सारे स्पाइसेस जो हैं, अब आपको फ़ायरा बताएंगे इन स्पाइसेस कौन कौन से उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इसको मैरिनेट कर दिया हमने, तो ऑलरेडी तैयार है यहाँ पे। लेकिन हम ये कर सब्रोसो रहे हैं, और मैं साथ साथ इनकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं इनका आज हेल्पर हूँ, और मैं इसमें तेल जो है वो डाल रहा हूँ, आप बताना शुरू कीजिए। ओके, यहाँ पे मैंने सबसे पहले दही लेनी है, दही तकरीबन 1 कप हम लेंगे, और दही के अंदर ऐड करना है हरा धनिया, चॉप्ड हरा धनिया हमने ऐड करना है इसमें। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसमें पिसा धनिया ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, देन इसमें ऐड कर रही हूँ भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून। अच्छा, आप लोग बात कर सकते हैं, इनके माइक खोल दें, आप लोग बिल्कुल बोल सकते हैं। सॉल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ मैं एज पर टेस्ट, किससे बोले, हेलो, चाट मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ फॉर द स्पाइस एंड फॉर द फ्लेवर, देन ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, लेमन जूस ऐड कर रही हूँ फॉर द सिट्रिक फ्लेवर, जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं कि ये अच्छे तरीके से अंदर तक गल जाए, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये मैरिनेशन कितनी देर तक होती है? तकरीबन इसको 2 आवर्स रखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और हाफ कप जो है इसमें मैं नॉर का केचप ऐड कर रही हूँ। बहुत अच्छा होता है। एग्जैक्टली, अच्छा, सबसे बड़ी मुश्किल हल की है ना परसों, मैं देख रहा था उस सीख कबाब में जो फरी आपने जो बनाए थे, उफेरा जी, उफेरा जी, बिल्कुल मैं बताऊंगी, आप पूछो, पता है अनिला, आप क्या बात करें, बात यह है कि जो आपने बनाए थे ना सीख कबाब, सब्रोसो के सीख कबाब बनाए थे बटर क्रीमी सॉस, सीख कबाब, उसमें मैंने कहा ये सीखें कब आई और ये कब लग गए, तो ये सब्रोसो ने सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। सर थैंक यू सो मच, बने बनाए सीख क्या मजे के सीख कबाब, क्या मजे के थे, वाह वाह। अच्छा, इसमें कट लगाए थे, कट लगा के इसको मैरिनेशन में आपने रखना है, दिस इज वेरी नाइस, और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। यप, सब्रोसो की चिकन काफ़ी मीठी होती है, हाइजेनिक होती है, जब आप जाते हैं कहीं से बनवाने के लिए तो आपको ये नहीं पता होता कि रेडी कट चिकन जो आपको मिल रही है वो हाइजेनिक है कि नहीं, पता नहीं कब से कटी हुई है, लेकिन इनका प्रॉपर जो कंट्रोल टेम्परेचर में इनका मीट रखा जाता है और काफ़ी हाइजेनिक और प्योर होता है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सब्रोसो बन रहा है, आप यहाँ आ जाइए, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बाय द वे, इसको आपने पलटना भी है। ओके, यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ, अभी मैं कशी जामी शीरी के साथ बनाने जा रही हूँ, जो कि आपके इफ्तार के लुत्फ को दबाला कर देता है, जहाँ इतने सारे स्नैक्स होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर इतने सारे स्नैक्स होते हैं वहाँ पर कशी जामी शीरी आपके इफ्तार में रंग भी भरता है और लुत्फ भी। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ रेड क्वीन मॉकटेल, इसमें मैंने ऐड किया है अराउंड 1 कप स्ट्रॉबेरी सॉस, प्योर स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बनाई हुई है, इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 कप ऑरेंज जूस, तकरीबन 1/4 कप लेमन जूस है, एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट इसमें आप ऐड करेंगे शुगर। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लज्जत से भरपूर कशी जामी शीरी, जिसमें संदल के और गुलाब की पत्तियों का खालिस अर्क शामिल है और पानी का 1 कतरा भी इसमें शामिल नहीं, एंड देन इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सोडा वाटर। And then are we going to put ice? Exactly. Yeah, ice, ice add karungi. Add karungi ice. Karshi jami shiri agar aap lenge soft drinks ki jagah to aapke maide pe zulm nahi hoga. Agar aap bura na mane to ek sawal puchu. Bilkul. Kya pak kya raha hai waise aaj? Aaj pak raha hai chicken, fiery fried chicken aur saath mein ha fiery fried chicken aur saath mein ban raha hai red queen mocktail. All right. ye ये क्या डिक्शनरी में रख के खाना पड़ेगा सर? एक मिनट फैसल, लेट्स फिनिश दिस, उसके बाद आप जरूर पूछिएगा, लेट्स फिनिश दिस जी। हो गया, आर डन? यस, वी आर डन। ऑलराइट जी, ये मॉकटेल जो है ये तैयार हो गया है कशी जामी शीरी के साथ। जैसे कि आपको पता है कशी जामी शीरी पाकिस्तान भर का, दुनिया भर का पसंदीदा तरीन मशरूब है। इसकी तैयारी में खालिस सरकियात का इस्तेमाल होता है, 100% खालिस, इसकी तैयारी में पानी का 1 कतरा भी शामिल नहीं होता। थैंक यू वेरी मच उफेरा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी उफेरा के लिए, बहुत सारी तालियाँ।